हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, इस बार स्पोर्ट्स जगत से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम कर दिया गया है। अब से इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जाना जाएगा। इसे ट्वीट के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ही अनाउंस किया है। सो आप यहाँ रीड कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल नाउ बी नोन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मोदी सैड ही हैड बीन गेटिंग मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू नेम द खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। तो ये जो लोगों के व्यूज के बाद जो है ये डिसीजन लिया गया है, सजेशंस के बाद इस डिसीजन को लिया गया है। रिस्पेक्टिंग देयर सेंटिमेंट्स, द खेल रत्न अवार्ड विल हेयर बाय बी कॉल्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद वॉज एमंग इंडियाज फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स हु ब्रॉट ऑनर एंड प्राइड फॉर इंडिया। इट इज़ फिटिंग दैट अवर नेशंस हाइस्ट स्पोर्टिंग ऑनर विल बी नेम्ड आफ्टर हिम, ही ट्वीटेड। तो हम जैसा कि जानते हैं, ये मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के एक जाने माने नाम है, उनके नाम पर अब से अवार्ड दिया जाएगा। तो एक अच्छा डिसीजन है। ये ट्वीट जो है सुबह देख सकते हैं, आज सुबह 12:25 PM पे ट्वीट किया गया। आप रीड कर सकते हैं, आई हैव बीन गेटिंग मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया टू नेम द खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। आई थैंक देम फॉर देयर व्यूज, रिस्पेक्टिंग देयर सेंटिमेंट, द खेल रत्न अवार्ड विल हेयर बाय बी कॉल्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जय हिंद। अब देख सकते हैं, जो अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो गेम चल रहे हैं, ओलंपिक गेम्स, वहाँ पर एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला मेंस हॉकी टीम और वुमेंस हॉकी टीम। और ये जो गेम्स हैं इस साल जो चल रही हैं, इससे इस पे जो है जो पूरा नेशन जो है उसका बहुत ही फोकस है, बहुत ही उसे सपोर्ट कर रहे हैं इस साल। आप देख सकते हैं, द टीम हैज़ कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ आवर एंटायर नेशन, द प्राइम मिनिस्टर सैड, एडिंग दैट देयर इज़ अ रिन्यूड इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्पोर्ट दैट इज इमर्जिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कमिंग टाइम्स, ही सैड। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमारे देश में क्रिकेट को ही सपोर्ट किया जाता है, बट इस साल ओलंपिक्स में देखा गया कि ओलंपिक्स की गेम्स में भी जो है इंडिया में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारी हॉकी टीम को। और हम मेडल भी जीत चुके हैं, मेंस हॉकी टीम में जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इंडियन वुमेंस हॉकी टीम ने भी एक अच्छा पोजीशन लिया, सेमीफाइनल तक इस साल जो है वो पहुंची। उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया, लोगों का सपोर्ट उनको बहुत मिला है इस बार। पीएम मोदी हैज़ बीन फॉलोइंग द स्पोर्टिंग एक्शन इन टोक्यो एंड सो फार पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल ऑफ इंडियाज 5 ओलंपिक मेडलिस्ट्स। He has also invited the Indian contingent to the Red Fort on August 15. जितने भी players जो हैं इंडियन गए हुए हैं ओलंपिक में, अब जो भी जीतेंगे, जीत कर आए हैं, उन सबको जो है अगस्त 15 को जो है रेड फोर्ट पर बुलाया गया है। ध्यानचंद himself has been conferred with several honors, including India's third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956. तो ध्यानचंद भी एक जाने माने एक बड़े ही चेहरा है इस फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में। उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है 1956 में। इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन August 29 एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। रिएक्टिंग टू द न्यूज, इंडियन मेंस हॉकी टीम कैप्टन हु लेड हिज टीम टू अ ब्रॉन्ज मेडल फाइनल एट द टोक्यो ओलंपिक्स, मनप्रीत सिंह टोल्ड, ध्यानचंद अनाउंसमेंट इज अ ह्यूज मोमेंट फॉर हॉकी एंड इंडिया। तो इनको आप देख सकते हैं कि हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं, उन्होंने भी इस पे खुशी जाहिर की कि जो इस अब नाम जो चेंज किया है, ये एक उनके लिए एक अच्छा ह्यूज मोमेंट है हॉकी टीम के लिए, क्योंकि ध्यानचंद इसी स्पोर्ट से जुड़ा एक नाम है। वन मेडल हैज़ चेंज सो मच फॉर अस, दिस इज़ अ बिग डील फॉर अस एज प्लेयर्स।
अब इसके प्राइस की बात करें तो इसमें जो प्राइस दिया जाता है वो 25 लाख दिया जाता है, पर द प्रेस्टिजियस अवार्ड कैरीज अ प्राइज मनी ऑफ 25 लाख। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।